हेल्डोवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। लोकतंत्र के इस यज्ञ में आज जहां सभी अपनी आहुतियां दे रहे हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारों में लाइनों में लगे हुए हैं, वहीं दमोह के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने भी अपने मत का उपयोग सर्वप्रथम पहुँच कर किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी ने भी अपने गाँव बैरागढ़ में पहुँच कर मतदान का उपयोग किया। जेबीवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व अपनी पत्नी के साथ अपने मत का उपयोग करने पहुंचे। वहीं एक वृद्धा अपने मत का उपयोग करने पहुंची, जो कि ना बोल सकती है ना सुन सकती है। आइए देखते हैं मतदान की बड़ी खबर है। मतदान करके आया हूं और लोगों में देख रहा हूं उत्साह है। जब मैं गया तो वहां पर लाइन लगी हुई है और मैं समझता हूँ सब दूर बहुत उत्साहपूर्वक वातावरण में लोग मतदान कर रहे हैं। बुंदेलखंड में कितनी सीटें आएंगी? बुंदेलखंड की जितनी सीटें सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। जिस तरीके से दमोह लोकसभा में लोधी फैक्टर को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने लोधी प्रत्याशी जाति विशेष के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, उससे क्या लगता है? ये सब गौण है। अब दोनों ही एक जाति के क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जहाँ वोट देना होगा देगा। और मैं समझता हूँ अब लोग मन बना चुके हैं कि हमें इस देश में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसी दिशा में लोग मतदान कर रहे हैं। मलैया जी, एक रात में मैटर आया था, मामला सामने आया था, तेंदुखेड़ा में कोई धमकी वाला मामला आया था सामने, कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को धमकी दी गई, क्या मामला है? अब मुझे इसकी जानकारी है नहीं। रात्रि का मामला बड़े, अब कितना समय बचा है, थोड़ी देर में तो चुनाव हो जाएगा शाम तक, तो अच्छे से मिलके अब इस समय क्या कर सकते हैं मतदाताओं से अपील, जनसंपर्क कर सकते हैं मतदाताओं से, परसों के बाद 5 बजे के बाद अपील करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। परंतु आपने कहा है तो मैं तो यही अपील करूँगा कि जो देश में सबके हित के लिए हो, देश की सीमाओं को जो सुरक्षित रख सकता हो, जो दुनिया में पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा सके और देश में विकास का काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को वोट दें। नीरज कुमार सिंह किशोर के साथ से मैं सभी मतदाताओं को संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूत बना सकें। शुरुआत में सर एक समस्या सामने आ रही थी, जो वोटिंग पर्ची तो लेकर के लोग आए लेकिन वो कोई पहचान पत्र लेकर नहीं आए, सर उनको मतदान करने की दिक्कत हुई सर। जी, इसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता पर्ची के साथ साथ 12 प्रकार के जो आइडेंटिटी प्रूफ हैं उनमें से कोई एक लाना आवश्यक है। इसके संबंध में काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए हैं तो उनको सभी ने समझाइश भी दी है, उन्हें सुनने में आया कि मीडिया ने भी उन्हें समझाइश दी है कि वो फिर से आएँ और वोट डालें। सर कुछ लोग नाराज होकर चले गए हैं कि वोट नहीं डालेंगे सर, क्योंकि जो BLO द्वारा पर्ची दी गई सर उसमें उनकी फ़ोटो भी है सर, वो शासन का पर्ची भी है। फिर भी BLO द्वारा जब मतदाता पर्ची डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी तब भी हर जगह वोटर गाइड भी साथ में दी गई है और वोटर गाइड में भी लिखा हुआ है कि जो है मतदाता पर्ची के अलावा कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, और जहाँ जहाँ मतदाता मिले थे वहाँ BLO ने सबको बताया भी है व्यक्तिगत रूप से। सर कहीं मशीन में थोड़ी गड़बड़ी आई कहीं सुबह सुबह? हाँ, कुछ जगहों पे मशीन में कहीं पे VPAT या BVSCO में कुछ मिस्टेक होने की वजह से उसे रिप्लेस किया गया है, लेकिन रिप्लेस करने के बाद सभी जगह मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। थैंक यू सर।
नहीं था। अभी बाहर आपको मतदान किया है क्या? ये बताना चाहूँगा यहाँ पे अपने दमोह जितने नागरिक हैं साथ साथ पूरे भारत के नागरिकों को कि ये मताधिकार हमारा ना ही सिर्फ अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य भी है। ये अमीर गरीब और जाति धर्म नहीं देखते, ये सबके लिए एक है और सबको इसका प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक यहाँ पे संख्या में मतदान केंद्रों में उपस्थित हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तभी हम उज्जवल भविष्य का, अपने देश के उज्जवल भविष्य की रचना कर सकते हैं और उसको अच्छा नेतृत्व हम दे सकते हैं। सर 11 बजने वाले हैं, कोई अप्रिय घटना भी सूचना? अभी तक पूर्ण रूप से शांति पूर्ण मतदान यहाँ पे पूरे दमोह जिले में चल रहा है और बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से पूरा टीम लगी हुई है, हमको पूरा विश्वास है कि आगे पूरे इस तरह से ही चलेगा। तो चुनाव बहिष्कार की कोई सूचना तो नहीं? दो तीन जगह से सूचना आई थी जिसके संबंध में तत्काल वहाँ अधिकारी गए और इस प्रकार का अभी कहीं पे आगे की सूचना नहीं है। मुझे लगता है 30-40 वर्ष हो गए, 30 हो गए, कभी भी ऐसा नहीं घटा हुआ कि हमारे इतना आपस में, चाहे वो हर्ष यादव ने धमकी दी हो, चाहे कल प्रताप जोशी जी ने धमकी, इनके चेहरे शालीन माने जाते हैं, लेकिन इनका दोहरा चरित्र सामने आया। कितने मद में मस्त हैं, वैसे तो बोलचाल में बड़े कम लोग हैं, हमारे यहाँ मंदिर गड्ढी में कहते हैं कि मिट बोला नेता नुकसानदेह होता है और तो उसका दोहरा चरित्र होता है, ये उनकी घटना तो साबित हुआ। ऊपर जाकर माफ़ी मांग रहे हो, आप रात में तो गजब ही हो गया, रात को 2 बजे पहले 8 बजे के आसपास गोडवाना गठबंधन पार्टी को उम्मीदवार की गाड़ी को आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने अपने रात को 2 बजे हमारे कार्यकर्ता का अपहरण हो गया हुआ, पुलिस की उपस्थिति हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उसको थाने में ले गए, अपहरण लग रहा है, निशान लग गई पहला आधार कार्ड सलाह है। नाम जरूर बता दे, पर्ची हाँ, पर्ची की जरूरत नहीं है सर, नहीं है जरूरत। नाम क्या लिखा है सर उसमें? चलो चलो, अच्छा इससे ये पूछे पिछले बार कहाँ वोट डाले, पिछले बार कहाँ डाले, इधर गए थे, इधर कहाँ गए, इधर उसमें लिखा हो गोरू पति कंछे दी बोरू लेता है। आधार कार्ड का फोटो ले लो, पर्ची नहीं, सिविल वार्ड फोटो और कार्ड। मीडिया से माइक का, हाँ मीडिया से अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।